सो हे गाइज, वेलकम बैक इन माई न्यू वीडियो। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम लोग फ्री फायर आईडी को अनबैन कैसे कर सकते हो। देखो गाइज, अभी के टाइम पे बहुत सारे प्लेयर के साथ ये सीन हो रहा है, किसी का आईडी सस्पेंड पे चला जा रहा है, किसी का आईडी परमानेंटली बैन हो रहा है। तुम लोग अनबैन करने का बहुत सारे कोशिश कर रहे हो बट अनबैन नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड कोई कोई ग्लिच भी यूज़ कर रहा है, बहुत सारे हैक भी यूज़ कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं तुम लोगों को सब कुछ खुल के बताऊँगा तुम लोग कैसे अपना फ्री फायर आईडी 24 आवर्स के अंदर अनबैन कर सकते हो। देखो गाइज, इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम लोग गरेना फ्री फायर के साथ सीधा किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इधर फॉर्म ओ करो, फॉर्म फिल करो, ऐसा कुछ भी मैं तुम लोगों को नहीं बताऊंगा इस वीडियो में। मैं तुम लोगों को सिंपल स्टेप बताऊं जहां से तुम लोग सीधा गरेना फ्री फायर की मॉडरेटर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट करने के बाद तुम्हारा जो आईडी 24 आवर्स के अंदर बैक आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, कोई भी छोड़ के मत जाना। तो गाइज, हम लोग फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड उससे पहले तुम लोगों से मेरा एक दिल से रिक्वेस्ट है, जितने भी बंदे अभी चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रखना, क्योंकि आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। गाइस, गरेना फ्री फायर की मॉडरेटर के साथ बात करने से पहले तुम लोगों को कुछ चीज़ समझना है, जो है टर्म्स एंड कंडीशंस, जो हमारा फ्री फायर का गाइडलाइन भी बोल सकते हो, ठीक है। वो चीज़ अच्छे से समझना है, तभी तुम्हारा आईडी एक दिन के अंदर वापस आ जाएगा, ठीक है। पहला जो स्टेप होने वाला है, हमारा गेम पे बहुत सारे ग्लिच वगैरह आता है, तुम लोगों को पता है। उस ग्लिच की मदद से तुम लोगों ने कोई भी सामान वगैरह परचेस किया है एंड तुम्हारा आईडी सस्पेंड हो गया, बैन हो गया, तो तुम्हारा आईडी एक दिन के अंदर वापस आ जाएगा, ठीक है। मॉडरेटर खुद देगा तुम लोगों को आईडी। एंड दूसरा जो स्टेप होने वाला है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान लो तुमने कोई भी हैक वगैरह यूज़ नहीं किया है, बट तुम जिसके साथ खेल रहे हो वो हैक यूज़ कर रहा है, हेडशॉट का हैक एंड बहुत सारे हैक वगैरह होता है वो यूज़ कर रहा है, एंड तुम्हारा आईडी पे रिपोर्ट वगैरह आ गया, गेम पे चले जाते हो जब तुम्हारा आईडी कोई भी रिपोर्ट मार रहे, बहुत सारे होते हैं ना ऐसे हैकर आ जाते हैं, तो हैकर को हम लोग रिपोर्ट करते हैं एंड उसका साथ साथ टीममेट को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर तुम्हारा आईडी सस्पेंड पे चला गया तो तुम्हारा आईडी 100% वापस आ जाएगा, बट तुम्हें एक बार वार्निंग दिया जाएगा, ठीक है। वार्निंग का मीन्स तुम लोगों को पता है, एक बार वार्निंग तुम लोगों को दिया जाएगा। एंड तीसरा जो स्टेप होने वाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुमने कोई भी हैक वगैरह यूज़ किया है, मान लो हैक की वजह से तुम बहुत सारे हेडशॉट मार रहे हो, तुम्हारा हेडशॉट रेट बहुत ज़्यादा है, तुम हैक फाइल यूज़ कर रहे हो, ग्लिच फाइल यूज़ कर रहे हो, बहुत सारा फाइल होता है यूज़ कर रहे हो, फिर तुम्हारा आईडी सस्पेंड पे चला गया, तो तुम लोग क्या करोगे? तो तुम लोग मॉडरेटर से अच्छे से बात करना है, ठीक है। तो इस टाइम पर तुम्हारा भी आईडी वापस आने का चांस बहुत सारा रहता है। तो मैं तुम लोगों को अभी फटाफट बता देती हूँ कि तुम लोग किस तरीके से मॉडरेटर से बात कर सकते। तो गाइज, अभी तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, सीधा चले जाना है प्ले स्टोर के अंदर। जाने के बाद यहाँ पर सर्च करना है फ्री फायर मैक्स। सर्च करने के बाद यहाँ पर तुम लोगों को थोड़ा नीचे आ जाना है। आने के बाद इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मेल दिया गया है एंड एड्रेस भी साथ साथ दिया गया है। तो तुम लोगों को मेल पे ऊपर सीधा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर तुम लोगों को सेम, मैं जिस तरीके से लिख रही हूँ तुम लोगों को सेम इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है, हाई गरेना फ्री फायर टीम, आई एम साजन। तुम्हारा नाम यहाँ पर लिखना है जो भी है तुम्हारा। एंड उसके बाद तुम लोगों को लिखना है माई फ्री फायर आईडी परमानेंटली सस्पेंड। तुम्हारा आईडी अगर बैन हुआ है तो यहाँ पर सस्पेंड की जगह बैन लिखना है, ठीक है। परमानेंटली तुम लोगों को ये बात लिखना है। उसके बाद तुम लोगों को लिखना है व्हाट आई एम नॉट यूज एनी ग्लिच फाइल एंड हैक, ठीक है। अदर थर्ड पार्टी ऐप कोई भी हैक वगैरह हमने यूज़ नहीं किया है। एंड जो लोग हैक वगैरह यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तुम लोग भी सेम इसी तरीके से लिखना, नहीं तो रिप्लाई नहीं आएगा। तुम लोग भी सेम इसी तरीके से लिखना, उसके बाद रिप्लाई आएगा, मैं तुम लोगों को बताऊंगा। उसके बाद तुम लोगों को लिखना है प्लीज़ अनबैन माई फ्री फायर आईडी। उसके बाद तुम लोगों को यहाँ पर फ्री फायर यू आई डी दे देना है, माई फ्री फायर यू आई डी। उसके बाद लिखना है प्लीज़ गरेना फ्री फायर टीम हेल्प मी, ठीक है। एंड उसके बाद थैंक यू। एंड उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अटैच फाइल वाले के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तुम्हारा जो गेम है, गेम जो ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, ओपन तुम लोगों को पता है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन वगैरह सामने आ जाता है, वो स्क्रीनशॉट लेके तुम लोगों को यहाँ पर सबमिट करना है। स्क्रीनशॉट यहाँ पर सबमिट मेरा हो गया। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करना है, सेंड वाले के ऊपर। तो गाइस, क्लिक करने के बाद तुम लोगों को कुछ नहीं करना है। एंड मेल पर और एक बात तुम लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पर कुछ भी हिंदी में यूज करना, यहाँ पर सीधा इंग्लिश चलता है, ठीक है। जितने भी बंदे मेल करोगे हिंदी में मत लिखना, यहाँ पर ओनली इंग्लिश चलेगा, ठीक है। मेरा वीडियो थोड़ा तुम लोग यहाँ पर स्टॉप करके देख लेना, तभी तुम लोगों को पता चलेगा। एंड अभी रिप्लाई किस तरीके से आएगा, देखो गाइस, रिप्लाई जो आएगा ये 24 आवर्स के अंदर आ जाएगा। तुम लोगों को यहाँ पर बोला जाएगा तुमने कोई भी ग्लिच वगैरह यूज़ किया है एंड तुम लोगों को पता नहीं है, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर आ रहा है, जिसका मेल रिप्लाई आ गया, तो तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं तुम लोगों को पर्सनली तुम्हारा आईडी जो है आईडी वापस लेके मैं दूंगा, ठीक है। पर्सनली मैं तुम लोगों को हेल्प करूंगा, इतना बता रही हूँ, इतना कौन तुम लोगों को बताएगा। तो गाइज, आई होप कि तुम लोगों को समझ, तुम लोग इस तरीके से अपना मॉडरेटर के साथ तुम लोग बात कर सकते हो। फिलहाल तो मेरे पास ऐसा एक भी आईडी नहीं है जो आईडी बैंड पे पड़ी है, अगर होता तो मैं तुम लोगों को लाइव दिखा देता। गाइज, आई होप कि तुम लोगों को समझ में आ गया। एंड गाइज, इसी के साथ साथ इस वीडियो करते हैं यहाँ पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।